अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इस मसले पे है कि आजकल हर एक दूसरा बंदा अपना टूटा हुआ दिल लेके फिर रहा है और वो चाहता है कि कोई हमारे इस टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ दे। अरे भाई, सामने वाले का अपना दिल टूटा हुआ है, वो क्या आपके टुकड़ों को जोड़ेगा? तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है बेसिकली कि वो आपको ऐसे समझ आएगा, एक बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो आपके साथ होता है वो आपकी डेस्टिनेशन को डिफाइन नहीं करता, बट जो उस पे आपका रिस्पॉन्स होता है, जो आपका रद्दे अमल होता है, वो आपकी डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। ठीक है जी। तो अब जब एक चीज पे रोते पीटते रहेंगे तो आपकी डेस्टिनेशन अल्टीमेटली खराब होगी। इस बात को आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। एग्जाम्पल थोड़ी अजीब है बट समझने के लिए इट्स गुड। एग्जाम्पल ये है कि एक आदमी था जो कि लैला का आशिक था, मजनू कहते थे लोग उसे। वो बड़ा दीवाना हो गया लैला के इश्क में, उसको बस लैला ही चाहिए थी। तो लैला की शादी उससे नहीं हुई, कहीं और हो गई लैला की शादी। अब वो रोता पीटता नजर आता था लोगों को। कुछ अरसे बाद वो गायब हो गया। कुछ टाइम बाद साइकोलॉजी पे रिसर्च हो रही थी, लोग पागलखाने विजिट कर रहे थे। तो कुछ लोग पागलखाने पहुंचे विजिट करने, तो उनको एक रूम में एक आदमी रोता पीटता नजर आया, जो कि चीख चीख के रो रहा था कि हाय मेरा दिल टूट गया, हाय कहाँ चली गई, क्यों चली गई, कब आएगी, कहाँ है लैला। तो लोगों ने बोला ये कौन है? तो पता चला कि ये लैला का आशिक है, जो कि लैला से शादी करना चाहता था, लेकिन इसकी शादी लैला से हुई नहीं। तो उन्होंने उस पर एक रिपोर्ट बनाई, आगे चले गए। मूविंग फॉरवर्ड जब वो विजिट करते करते पहुंचे तो उनको एक और रूम मिला, जहाँ पे एक आदमी बिल्कुल उसी तरह से चीखे मार रहा था कि कहाँ है, क्यों आ गई, कैसे आ गई, क्या हो गया, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मार डालूंगा, वैसे ही सेम्स कह रहा और चीख रहा, चिल्ला रहा पागलों की तरह। तो उन्होंने बोला ये आदमी कौन है, ये भी बड़ा शोर मचा रहा है। तो रिपोर्टर्स ने बताया ये आदमी वो है जिसकी लैला से शादी हो गई थी। तो द थिंग इज जरूरी नहीं है जिस चीज को हम अपने ऊपर सवार करके रोना पीटना मचा दें वो चीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर उसको लैला मिल भी जाती तब भी उसको पागल ही होना। तो द थिंग इज हमारा रद्द अमल क्या है चीजों को लेके। ठीक है ना, ये अपने दिल को हम अपने अख्तियार में रखें। अच्छा, एक बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। सबसे पहला काम तो आप लोग ये करें कि किसी को दिखाने के लिए ना रोएं। हमारे यहाँ लोग रोते हैं, पीटते हैं, कोई देख ले हमें। ठीक है ना, ये एक स्टाइल है आपके रोने का कि बस रोए जाओ और लोगों को दिखाओ कि कोई हमारा रोना देखे, कोई हमें तसल्ली दे। ठीक है ना, तो ये रोना अजीब ही कोई चीज है। कोई भी आपका रोना देख के आपके पास वक्ती तो आ जाएगा, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको तब मिलेगा जब आप अल्लाह के आगे रोएंगे, जब आप समझेंगे कि आपकी औकात क्या है, जब आप समझेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जब आप समझेंगे कि असल तकलीफ और असल खुशी किसकी तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। कभी अल्लाह के आगे रो के देखें, क्योंकि गम में गम देने वाला अगर आपको याद आ जाए तो गम सरफराज कर देता है, और गम देने वाला वो बंदा नहीं है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो कोई आपको इंसल्ट नहीं कर सकता। जब कोई आपको इंसल्ट करे तो आप ये देखने की जगह कि मुझे ये इंसल्ट किस तरफ से रिसीव हुई है, ऊपर अल्लाह की तरफ देखें, उससे दुआ मांगे। मतलब वहां कनेक्शन फेलियर है तभी आपको दुनिया में किसी भी तरह की रुसवाई मिली। अगर आपका वहां कनेक्शन स्ट्रांग है तो आपका ना दिल टूटेगा ना कोई आपको इंसल्ट करने की देह करेगा। ठीक है जी। एक काम और करें, अपने टेयर्स को, अपने गमों को जनरलाइज करें। जरूरी नहीं है कि अगर आपको रोना आ रहा है तो आप बस रोते ही रहें या अपने ही नसीब पे मातम डाल के रखें। इट्स लाइक कि अगर आपका कहीं फेलियर है तो उससे लर्न करें, अपनी कमिटमेंट्स परफॉर्म करें, अपने पेन को लेके प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रोना आ रहा है तो आप इसी एक स्टेट में चले जाएं कि अब मुझे बैठ के रोना ही है। नहीं, उसको एक अच्छे मीडियम पे लेके जाएं, कमिटमेंट्स करें, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दें, उसको लेके प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ज्यादा काम करें, ऐसा करें जो पॉजिटिव हो। ठीक है जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अपने पेन को रिडिफाइन करें। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी सॉरो है, वहां एक दफा सोच के देखें कि मुझसे क्या गलती हुई थी। एनालाइज करें मेरी क्या गलती थी, एनालाइज करें मैंने उस गलती से सीखा क्या, समझें कि कहाँ मेरी गलती थी। और एट द एंड एक बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपको ये पता चलता है कि जो हुआ उसमें अल्लाह की कितनी बड़ी मसलहत थी। आज वो ना मिला तो मुझे कितनी आसानियां हैं। ठीक
ठीक है। तो हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, वक्त रहते उसको जरूर समझें, अपनी गलतियों से सीखें और बस आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और हमेशा 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 जब भी आपका दिल टूटे किसी बात को लेके, और अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उस पर अल्लाह की तरफ लौट के आते हैं और अल्लाह से रुजू कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सिमट जाएंगे, आपकी हर परेशानी हर मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह से रुजू नहीं कर सकता, तो फिर वो अपने दिल को भी नहीं समेट सकता, ठीक है। आपका दिल के टुकड़े समेटने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने आप को असेंबल करना है, और वो असेंबलिंग के लिए अगर कोई आपकी एक्चुअली हेल्प करेगा तो अल्लाह है, ठीक है। अल्लाह से रुजू करें, जिनका अल्लाह से रुजू होता है उनका दिल कभी नहीं टूटता, उनका बिलीफ हमेशा स्ट्रांग होता है। सो प्लीज डू प्रे एंड बी स्ट्रांग एंड बी मोटिवेटेड, राइट, एंड ट्राई टू चैनलाइज ऑल योर पेन्स एंड ऑल योर ग्रीफ, ठीक है ना। ये आपके हाथ में है कि आप अपने दुख को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, कितना पॉजिटिवली डील करते हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कमिटमेंट करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।